हेलो गाइस, अगर आप स्टॉक मार्केट में एंटर करना चाहते हैं या फिर आप स्टॉक मार्केट में ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं तो ये बुक समरी स्पेशली आपके लिए है। मेरा नाम है शुभम शर्मा और मैं हूं आपका होस्ट मेक मनी इंस्टीट्यूट का। तो आज हम बात करने वाले हैं कैसी बुक की जिसको लिखा है एक इंडियन ऑथर सौरभ मुखर्जी ने। सौरभ मुखर्जी एक बहुत बड़ा नाम है टू द इंडियन इन्वेस्टर्स। जो भी इंडियन इन्वेस्टर्स हैं, बड़े इन्वेस्टर्स हैं, सौरभ मुखर्जी उनका एक चहेता नाम है, क्योंकि ये एक ऐसे राइटर हैं जिन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं स्टॉक मार्केट के ऊपर। प्लस ये एक इन्वेस्टर भी हैं, तो बहुत सारे लोग इन्हीं के पोर्टफोलियो को देख के कंपनीज के स्टॉक्स भी खरीदते हैं। तो अब इस बुक की समरी की ओर चलते हैं। इस बुक की समरी में जो हमारे ऑथर हैं सौरभ, उन्होंने 7 कंपनीज जो इंडिया में आई, जो इंडिया की कंपनी थी, उन्होंने कैसे अपने सारे कंपटीशन को फेल किया, उनसे आगे आई, और कैसे उन्होंने मार्केट को हर साल बीट किया है, इसके बारे में बताया है। और कैसे ये कंपनीज स्क्रैच से मल्टी बिलियन कंपनीज बनी, मल्टी बिलियन डॉलर इन रेवेन्यू। तो आज हम बात करते हैं इसी बुक की समरी की। इस बुक में उन्होंने 7 कंपनीज का विवरण दिया है और उनकी स्टोरी के बारे में बताया है कि किन्होंने कंपनी स्टार्ट की, फिर कैसे कैसे उस कंपनी के अंदर टर्न आए, कैसे कैसे डिसीजन हुए, कुछ बुरा हुआ, कुछ अच्छा हुआ, और आज वो कंपनी किस पायदान पर खड़ी है। तो उन कंपनीज का नाम है एशियन पेंट्स, वर्जिन पेंट्स, पॉलीएस्ट्रल, फिर उसके बाद आता है HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, राइट। तो ये कुछ कंपनीज हैं जिसके बारे में हमारे सौरभ मुखर्जी ने इस बुक में बताया। तो अब इस बुक में उन्होंने एक टर्म को हमारे इंडियन मार्केट्स को दिया है जिसका नाम है कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग। इंडिया में बहुत सारे लोगों को कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग के बारे में नहीं पता है कि कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग या कॉफ़ी कैन पोर्टफोलियो क्या होता है। तो कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग एक ऐसी टेक्निक है या फिर एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जिसमें आप एक बार स्टॉक्स खरीद लेते हैं और उसके बाद उन्हें भूल जाते हैं फॉर द पीरियड ऑफ 5 साल या फिर 10 साल। 5 या 10 साल के लिए आप उन स्टॉक्स को भूल जाते हैं और वो स्टॉक्स, वो पर्टिकुलरली सिलेक्टेड स्टॉक्स हर साल मार्केट को बीट करते हैं। कैसे? इसके लिए उन्होंने 2 टर्म्स के ऊपर फोकस किया है। उन्होंने बोला है कि फाइनेंशियल सेक्टर की कंपनीज को छोड़ के, मतलब NBFCs या बैंक्स, इन दो सेक्टर्स को छोड़ के अगर आप किसी भी कंपनी के स्टॉक को लेते हैं तो हमें एक टर्म के ऊपर ध्यान देना है जिसका नाम है ROCE। नाउ व्हाट इज ROCE? ROCE का मतलब है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। वो बोलते हैं कि अगर आपकी कंपनी फाइनेंशियल सेक्टर में नहीं है तो आपकी कंपनी का जो भी कैश फ्लो होगा, जो भी आपकी अर्निंग होगी, उसके ऊपर उनको कितने परसेंट एसेट मिलता है या रिटर्न मिलता है, उसको बोलते हैं आपको रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ROCE। तो इस पर उन्होंने फोकस किया है कि कैसे जो भी शेयर्स आप खरीदना चाहते हैं या जिस भी कंपनी में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो आप कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग या कॉफ़ी कैन पोर्टफोलियो में डाल सकते हैं या नहीं, आप ये इस बात का पता ROCE से लगा सकते हैं। अगर आप किसी भी कंपनी की ROCE देखते हैं जो 15% से ऊपर हो, क्योंकि सेंसेक्स जब से स्टार्ट हुआ है तब से लेके अब तक वो 15% के CAGR से, मतलब कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रिटर्न, इससे बड़ा है, तो अगर किसी कंपनी का ROCE 15% से ज़्यादा है तो ये एकदम परफेक्ट पायदान है किसी कंपनी के बारे में जानने का कि वो मार्केट को बीट करेगी या मार्केट के साथ बढ़ेगी हर साल या नहीं। तो अगर किसी भी कंपनी का ROCE 15% से ज़्यादा है तो वो कंपनी को या फिर उस कंपनी के शेयर को आप अपने कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग या कॉफ़ी कैन पोर्टफोलियो में डाल सकते हैं। फिर इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने इस बुक में जो 7 कंपनीज का विवरण दिया है उनके रिजल्ट भी उन्होंने इस बुक में दिए हैं। ये बुक लिखी गई थी 2016 में, अब 2019 चल रहा है और मैंने पर्सनली इन सारी कंपनीज के ऊपर रिसर्च की है और देखा है कि ये कंपनीज रियलिटी में मार्केट को बीट करती हुई आगे बढ़ जा रही है। आज भी इन कंपनीज का ROCE और ROE 15% से ऊपर है। अब ROCE की बात हो चुकी है, मैंने एक वर्ड का यूज किया ROE। नाउ व्हाट इज ROE? ROE मींस रिटर्न ऑन इक्विटी। तो ये एक ऐसी टर्म है जो सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल मार्केट्स के ऊपर चलती है, मतलब जितने भी बैंक्स हैं या फिर जितनी भी NBFCs हैं तो उनके ऊपर ROCE नहीं यूज होता है, उनके ऊपर यूज होता है ROE। जब आप किसी भी कंपनी का 15% से ऊपर ROE हो उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आप उसको भी कॉफी कैन इन्वेस्टिंग या कॉफी कैन पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। तो
आप इन कंपनीज को देखिए, उनको सिलेक्ट करिए और उनको अपने कॉफी के इन्वेस्टिंग में रख दीजिए। मतलब 10 साल के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको को अपनी पोर्टफोलियो में उन कंपनीज को डालना है एंड भूल जाना है, ठीक है। तो जब आप उनको भूल जाते हैं तो 5 साल के बाद या 10 साल के बाद जितना भी आपका पीरियड था, होल्डिंग पीरियड था, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो आपकी कंपनीज ने मोस्ट प्रोबेबली मार्केट को बीट किया होगा फॉर दैट पीरियड ऑफ टाइम। तो आरओई और आरओसी, इन दो टर्म्स के ऊपर सौरभ जी ने इस पे फोकस डाला है। मैं पर्सनली रेकमेंड करता हूं कि आप इस बुक को पढ़िए, क्योंकि इसमें उन्होंने 7 ऐसी कंपनीज के बारे में लिखा है जो एक नॉर्मल इंसान ने स्टार्ट की, एक नॉर्मल बैंकर या एक नॉर्मल इंसान या एक नॉर्मल बिजनेसमैन ने स्टार्ट की, और तब से लेके अभी तक वो कैसे इंडियन मार्केट में एक छाप छोड़ी हुई है, एक मिसाल बनी हुई है बाकी कंपनीज के लिए। तो मैं आशा करता हूँ कि आप इस बुक को ज़रूर पढ़ेंगे। इस बुक को खरीदने का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, इस बुक को वहाँ से खरीद सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।